ऊपर से आप बोल रहे कंट्रोल मीडिया, बलूचिस्तान बलूचिस्तान अलग आजादी मांग रहा है, सिंधु देश अलग आजादी मांग रहा है, आपकी कितनी आजादियां मांगी जा रही है जी? आप सोशल छोड़ देते हैं, कोई नई डिबेट शुरू करते हैं, फायरिंग होती है तो वो पता नहीं है कौन कर रहा है वो फायरिंग, किसको बता रहे हैं आप? अरे आपके आपका झूठ कम है, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट ने बोला था कि करगिल में हमारे आर्मी रेगुलर्स नहीं है, क्या निकले कौन था आपके प्राइम मिनिस्टर ने? उसके बाद मैं क्या लैंग्वेज बोलूं आपके लिए, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया कि हमारे रेगुलर्स थे, आप बताएंगे? ये बोल रही है कि अननोन गनमैन आके कैसे मार जाते हैं, मैडम वैसे ही मार जाते हैं जैसे आपके लाहौर में ब्लास्ट होते हैं, जैसे आपके बलूचिस्तान, आपकी आर्मी भी निकम्मी है, पहले आप ये हो गया हमारी आर्मी यूजलेस है, इस आर्मी को डिसबैंड कर देना चाहिए, जिसके जिसके होते हुए वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं यार। एक अभी ये बोल रहे थे मीठा मीठा खा ले कड़वा कड़वा निकाल दे जनरल बच्ची, तो ये भी बोलते हैं पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, वो भी आप कोट कर दीजिए, वो तो ये कोट नहीं करेंगे, जनरल बच्ची को कोट कर रहे हैं। अखबार आपने क्या फाड़ के किस चीज के लिए बच्चे की पोटी साफ करने के लिए रखते हैं? अखबार कभी नहीं पढ़ते है ना। जहां तक बात कश्मीरी लड़के हमारे यहाँ यहाँ दिल्ली में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अभी अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करता मैं, अभी इसी सितंबर की बात कर रहा हूँ, सितंबर में 400 से ज्यादा लड़कों ने, 400 से ज्यादा मुस्लिम लड़के कश्मीरी लड़के उन्होंने ज्वाइन की इंडियन आर्मी। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर रोहित जी ने फिजा खान के टॉक शो के अंदर जमके पाकिस्तान मीडिया की क्लास ली और बताया किस तरीके से आप झूठे खबरें चलाते हो जिसकी वजह से पूरी दुनिया आप लोगों पे हंसती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत कारगिल वॉर है, जब तुम्हारे जनरल ने पहले बोला था कि हमारी कोई फौज नहीं है, बाद में मान लिया था कि हाँ हमारी फौज है। इससे पता चल जाता है पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की फौज किस तरीके से भारत के खिलाफ झूठा प्रोपागेंडा करती है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा और सिंधुस्तान भी आज़ाद होकर रहेगा, चाहे लॉक कोशिश कर लो, अगर तुम्हारी फौज इतनी ताकतवर है तो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट क्यों होते हैं? इंडियन आर्मी को तो कहते हो कि बॉर्डर पे आतंकवादी क्यों नहीं रोक सकते जब इतनी फौज लगा रखी है, तो ये इसका जवाब दिया है रोहित जी ने। और साथ ही साथ बता दिया कि इंडियन के कश्मीर के लोग जो कि खासकर मुस्लिम हैं भारतीय फौज में ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक नया जोश और जज्बा आया है इंडिया के साथ मिलकर रहने का। और साथ ही साथ आप लोग सारी बात ये कहना छोड़ दो कि कश्मीर आज़ाद होगा, आप ये कहते हैं कि कश्मीर में प्लेबिसिट चाहिए, मगर उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी तरफ ही कंडीशन माननी पड़ेगी, जो कि सबसे बड़ी गलती की आपने गिलगित बलूचिस्तान को अलग करके। आइए इस डिबेट को देखते हैं। अब सवाल जरा सुनिएगा कि कश्मीरियों को फैसला क्यों नहीं करने देते आप लोग कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, चले या फिर एक सेकंड के लिए मान लें कि अगर वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो उनसे पूछा तो सही ना कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं? क्यों इन मासूम कश्मीरियों की सांसों पर आप लोग काबिज हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ, क्यों? ये आपको बता किसने दिया कि हम कश्मीरियों से पूछने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज के जिसने बोला था यूएन ने, उस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, पहले तो कश्मीर को तोड़ के गिलगित बल्तिस्तान एक अलग स्टेट बना दिया, अब रेजोल्यूशन को आप ऑनर कर रहे थे तो आपको पूरा ऑनर करना चाहिए था। दूसरा मिलाइए उसे इंडिया से, रेजोल्यूशन में ये लिखा है ना कि इंडिया करवाएगा उसमें, आप तो नहीं मानते उसको, तो इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं बार बार जब आप खुद नहीं मानना चाहते उसको, आप खुद उस रेजोल्यूशन को डिसऑनर कर रहे हैं और उसके बाद ब्लेम आप इंडिया को करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। इंडिया करवा लेगा, बिल्कुल करवाएगा, आप मिलवाइए, हम तैयार हैं। और जहां तक ये मैडम बोल रही थी फेक एनकाउंटर होते हैं, यार 4 घंटे तक फायरिंग फेक एनकाउंटर में कैसे होती है? 4 घंटे तक सामने से फायरिंग आ रही है, मीडिया खड़ा है, सब कवर कर रहे हैं, मीडिया नहीं होता है। आपने भी 100 झूठ बोले थे, उनका जवाब दे रहा हूँ मैं, मैंने आपको ऑन द स्पॉट डिस्टर्ब नहीं किया था, मैं चुपचाप लिख रहा था, तहजीब में रहिए। मेरे झूठ की तो दुनिया गवाह है, उसके सबूत भी है, आपके झूठ का गवाह कोई नहीं है जी। अरे आपके आपका झूठ कम है, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट ने बोला था कि करगिल में हमारे आर्मी रेगुलर्स नहीं है, क्या निकले कौन था आपके प्राइम मिनिस्टर ने? उसके बाद मैं क्या लैंग्वेज बोलूं आपके लिए, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया कि हमारे रेगुलर्स थे, आप बताएंगे? जैसे आपके लाहौर में ब्लास्ट होते हैं, जैसे आपके बलूचिस्तान, आपकी आर्मी भी निकम्मी है, पहले आप ये हो गया हमारी आर्मी यूजलेस है, इस आर्मी को डिसबैंड कर देना चाहिए, जिसके जिसके होते हुए वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं, 35 अटैक हुए सितंबर में, 30 दिन होते हैं महीने में, आप अपनी आर्मी को पहले बोलिए, हमें ना बोलिए, आप जो ये सेंटेंस बोल रही है, ये सेंटेंस अपने आर्मी चीफ पे आपकी अगले दिन डेड बॉडी मिलेगी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी है, फारूक अब्दुल्ला ने आज ही बोला है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट रहेगा, कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान का पार्ट। अरे यहाँ एक रेजिमेंट है और उनको
आई कार्ड देख के मारा गया था, आई कार्ड देख के मारा गया। और उसके बाद जो है ये पांच इनोसेंट कश्मीरी बता रहे हैं ना, इन चार घंटे जिनसे एनकाउंटर हुआ, पता नहीं गोलियां कहां से आ गई उनके पास। वो गोलियां नहीं चला रहे थे, लिपस्टिक चला रहे थे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। उसमें से एक आदमी वही था जिन्होंने उन्हें मारा, उसका एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अब खालसा रेजिमेंट, इन्होंने बोला खालसा रेजिमेंट के जवान मरे हमारे। खालसा रेजिमेंट कौन सी है यार, नाम पहली बार सुन रहा हूँ, सिख रेजिमेंट है। आई टोटली इनइनफॉर्म्ड, आप कभी पढ़ लिया करें थोड़ा सा, तब डिबेट में आए यार। एक अभी ये बोल रहे थे मीठा मीठा खा ले, कड़वा कड़वा निकालते जनरल बच्ची, तो ये भी बोलते हैं पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, वो भी आप कोट कर दीजिए। वो तो ये कोट नहीं करेंगे, जनरल बच्ची को कोट कर रहे हैं। अखबार आपने क्या फाड़ के किस चीज के लिए, बच्चे की पोटी साफ करने के लिए रखते हैं? अखबार कभी नहीं पढ़ते। उन्होंने बोला कश्मीर जो है उधर आजादी की वो रे, यार आजादी का कश्मीर में जो है, हमने एक ट्वीट देखा था मरियम नवाज का, वो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का था, मरियम नवाज का ट्वीट, आजादी आजादी नारे लग रहे थे वो बस पे चढ़ के, राइट। वो नहीं देखा आपने, है ना। जहां तक बात कश्मीरी लड़के हमारे यहाँ, यहाँ दिल्ली में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। अभी अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करता मैं, अभी इसी सेप्टेम्बर की बात कर रहा हूँ। सेप्टेम्बर में 400 से ज्यादा लड़कों ने, 400 से ज्यादा मुस्लिम लड़के, कश्मीरी लड़के, उन्होंने ज्वाइन की इंडियन आर्मी, ठीक है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 460 मुस्लिम लड़कों ने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सारे मुस्लिम थे। वो आजादी नहीं मांग रहे थे। आपको कौन से आजादी मांगने वाले जो है, जिनको आप 200-200 रुपए देके पत्थरबाजी कराते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। कश्मीर में, आपके कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं और आप उन्हें दिखा दो यार। इनफैक्ट आपके प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी भी तो कर चुके हैं ना, आरिफ अल्वी ने एक मुजफ्फराबाद का ट्वीट दिखाया था, देखो कितनी एट्रोसिटी हो रही है, बोला था श्रीनगर का है, बाद में निकला आपके साइड के कश्मीर का। तो ये सब होता रहता है। आप जो बोल रही है वो बकरवाल लड़का, ऐसी कोई खबर कहीं मुझे दिखा दीजिए आप किसी इंटरनेशनल मीडिया में। आप अपने घर में बैठ के लिखती हैं और उसे कोट कर देती हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मैं भी बैठा हूँ, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ डेली, मैं मुझे तो कहीं नहीं दिखा। ये सारे झूठ आप बोल रहे हैं, अपने घर में बोला कीजिए ना, नेशनल मीडिया पे आके बोल देते हैं। इन्होंने बोला हमारी साइड फौजी नहीं है, तो बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है वो कौन करता है, सिविलियन भी आपके बोर लेके फेंकते हैं क्या, तो वगैरह। हमारा जो रेशियो है वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर है, शहर के अंदर। अरे अब अभी दो मिनट, अभी अभी एक मिनट नहीं हुआ, आपने बोला फौजी नहीं है, आप बोल रहे हैं रेशियो का। मैं तो नहीं है भाई, हमारा पकड़े जा रहे हैं आपके, हमारा सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अच्छा रोहित, लास्ट कमेंट का मतलब क्या होता है, कौन कर रहा है वो फायरिंग, किसको बता रहे हैं आप? ऊपर से आप बोल रहे कंट्रोल मीडिया, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अलग आजादी मांग रहा है, सिंधु देश अलग आजादी मांग रहा है। आपकी कितनी आजादियां मांगी जा रही है जी? आपके चार स्टेट पंजाब के खिलाफ है, पता नहीं है क्या? सबको पता है आपके सिंधु देश में आजादी नहीं मांग रहा है। लास्ट कमेंट नहीं।